सैंपल थ्री हमारा यहाँ पे कह रहा है एक ट्रायंगल दे रखा है और उसके तीनों साइड्स का हमें रेशियो दे रखा है 3:5:7 और पेरीमीटर दे रखा है 300 meters. रेशियो का मतलब क्या है पहले ये समझो. फॉर एग्जाम्पल तुम्हें मिले 2 रुपए और मुझे मिले 3 रुपए, फिर तुम्हें मिले 2 रुपए और मुझे मिले 3 रुपए, टोटल हो गए तुम्हारे पास 4 रुपए और मेरे पास हो गए 6 रुपए. ठीक है, अगर हम इनको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 2/3 आएगा. तो हमें जो पैसे मिले उसका रेशियो है 2:3, बट एक्चुअली में हमें केवल 2 और 3 रुपए नहीं मिले थे, एक्चुअली में हमें 4 और 6 मिले थे. यानी इन दोनों को हम जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर हमें पता लगेगा हमें एक्चुअली में कितनी अमाउंट मिली थी. यही चीज को ध्यान में रखते हुए हम यहां क्या करेंगे, इस प्रोपोर्शन के साइन को हटाएंगे और साइड्स हम ले लेंगे. ए बी जिसका हमें रेशियो 7 दे रखा है वो हो जाएगी 7x. ये x वही वेरिएबल है जो यहां पर 2 है. इसी तरह से बी सी हमारा क्या हो जाएगा 5x और सी ए हमारी हो जाएगी यहां पे 3x. इन शॉर्ट तो मैं यहां पे इन प्रोपोर्शन के साइन को हटा के केवल यहां पर x x x एक सिंगल वेरिएबल लगाना है. ठीक है, अब हमें तीनों मीटर्स में लिखेंगे यहां पे. अच्छा एक बात बताओ, हमें इनका पेरीमीटर दे रखा है तो क्या मैं लिख सकता हूं 7x और 5x और 3x को जब प्लस करोगे तुम तो 300 के इक्वल नहीं आएगा. ये प्लस ये प्लस ये पूरा इक्वल टू 300. इनको प्लस किया आया तुम्हारा 15x इक्वल्स 300 और x की वैल्यू आई 300/15. 15 टूजा होता है 30 और ये x की वैल्यू आ गई आपकी 20. अभी x की वैल्यू निकाल के क्या किया हमने, हम यहां पर बेसिकली निकाल रहे हैं तीनों साइड्स की एक्चुअल लेंथ कितनी होगी, क्योंकि ये तो बस हमें रेशियो दे रखे हैं जैसे ये दोनों दिए थे बट एक्चुअल वैल्यूज तो अलग थी तो इसलिए इनकी भी एक्चुअल वैल्यूज प्रोबेबली अलग हो सकती हैं. ठीक है, x हमें मिल गया 20. यहीं से अब हम पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, अब हम पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, ए बी कितना हो जाएगा हमारा 7x, यानी 7x दैट इज 7 × x की वैल्यू है 20. बी सी हमारा हो गया यहां पर 5 × x यानी 5 × 20 और सी ए हमारा आ गया कितना 3 × x यानी 3 × x दैट इज 3 × 20. हमें तीनों चीजें मिल गई. 7 × 2 होता है 140 centimeters, 5 × 2 होता है 100 meters, सॉरी 3 × 2 होता है 60 meters. तो देखो तुम्हें तीनों साइड्स मिल चुकी हैं, तुम्हें ट्रायंगल की तीनों एक्चुअल साइड्स मिल चुकी हैं, यानी तुम्हें ए बी और सी की वैल्यू मिल गई. अब निकालते हैं एरिया. एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पे अपना सेमी पेरीमीटर जो है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2. अच्छा तीनों साइड्स को प्लस करके तो हमें बता रखा है 300 आएगा और इनको प्लस करके भी 300 हमारा आ ही रहा है. तो 300/2 ये हो जाएगा हमारा 150. यहीं पर जरा कोने में s माइनस ए एस माइनस बी और s माइनस सी की वैल्यूज भी निकाल लेते हैं जो आएगा 150 माइनस ए की वैल्यू कितनी, इसको नीचे लिख लेते हैं. ए की वैल्यू कितनी अपनी 140 जो आया 10. सर्कल करते जाओ इन वैल्यूज को. s माइनस बी यानी 150 माइनस बी की वैल्यू अपनी आई 100 जो आएगा हमारा 50 और s माइनस सी यानी 150 माइनस 60 जो आएगी अपनी वैल्यू 90. चारों वैल्यूज हमें मिल चुकी हैं. अब जरा इनकी वैल्यू पुट करते हैं फॉर्मूले में. फॉर्मूला हम सबको याद हो चुका होगा अब तक शायद तुम्हें, जो था एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू अंडर रूट s मल्टीप्लाई s माइनस ए मल्टीप्लाई s माइनस बी मल्टीप्लाई s माइनस सी जो आया अंडर रूट s. एस कितना आया तुम्हारा 150. एस की वैल्यू लिख ली. एस माइनस ए हमारा आया था 10 मल्टीप्लाई 10. एस माइनस बी की वैल्यू 50 और 90 इंटू 50 मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू आई हमारी 90. बस वैल्यूज पुट करी हमने इन चारों की वहां पर. इसके बाद करना है हमें इनका प्राइम फैक्टराइजेशन. अब देखो कैसे 150 का पीएफ यहीं पर कर लेते हैं. सबसे छोटा नंबर हमें लेना है जो 150 की टेबल, जिसकी टेबल में 150 आता हो. 2 दिख रहा है हमें, 275 150 होता है.
फिर ये दोनों, ये आएगा थ्री की टेबल में 3 25 जा, फिर 5 5 25 और 5 1 जा। तो यहां पर 150 की जगह हम लिख लेते हैं 2 3 5 5, 2 3 5 5 मल्टीप्लाई 10 की जगह आ जाएगा हमारा 2 into 5, ये आ गया। ओके फिर 50 की जगह पर 50 का पीपीएफ कर लो यहां पे। ध्यान रखना सबसे बड़ा नंबर नहीं छोटा नंबर लेना है तुम्हें। 225 जा, फिर 5 5 जा और 5 1 जा। इसकी जगह पर हम लिखेंगे 255, 2 into 5 into 5, थोड़ा सा और लंबा खींच लो। 90 बचा हमारा आखिरी, 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं फिर से 2 से। 45, 3 की टेबल में आएगा ये, 3 1 जा 3, 3 3 2 1 गो, 5 जा 15, फिर आएगा 3 5 जा 15 और फिर 5 1 जा 5, यानी 2 3 3 5, 2 3 3, और एक 5 यहां नीचे लिख लेते हैं जरा। ठीक है, अगले स्टेप में अब पेयरिंग करनी है हमें। 90 की जगह मैंने ये लिखा है पूरा 2 3 3 5, 50 की जगह पर 2 into 5 into 5। ओके अगले स्टेप में पेयरिंग करनी है हमें। सबसे पहले पेयरिंग देखो कैसे करेंगे, इन दोनों का जोड़ा बन गया तो 5 आप बाहर लिखो, मल्टीप्लाई इस 2 के साथ, इस 2 का हमने पेयरिंग कर लिया, एक और 2 लिखो, मल्टीप्लाई इस, इन दोनों 5 का पेयर बन रहा है, इन दोनों 5 का पेयर बन रहा है, इसके साथ इन दोनों 3 का भी पेयर बन रहा है, इसी के साथ इस, नहीं और कुछ बन रहा है हमारा 2 3, हाँ इस 5 का और इस 5 का हमारा पेयर बन रहा है। देखो इस 5 का इकलौता और ये जो 5 हमारा अकेला बचा था यहाँ पे, इन दोनों की जगह पर भी एक 5 लिख दो। और कुछ बचा, और कुछ बचा हमारा 2 और ये वाला 2। ठीक है, ये आ गया हमारा इनटू 2, यहाँ से 3 बचा और कुछ भी नहीं बचा हमारे पास, सारे हो गए। अब अंडर रूट आ जाएगा हमारा 3 इकलौता। ठीक है, करते हैं इन सब को मल्टीप्लाई किससे कैसे, 5 5 ज़ा 25 25, देखो 5 5 ज़ा 25, 25 को 4 से मल्टीप्लाई करा 100 आया, 100 को 15 से मल्टीप्लाई करा तो 1500 अंडर रूट 3 और आंसर आएगा हमारा मीटर स्क्वायर में। सो ये था हमारा एग्जांपल 3। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।